नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। इसका एक उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सरकार जो जन विरोधी नीतियों से आज कर्मचारी, व्यापारी, किसान सब त्रस्त है, उसकी कई गली में सबसे एक इन्होंने ऐसा कार्य किया है कि पेशा एक्ट, उस पेशा एक्ट कानून को ये घोटाले में तब्दील करना चाहते हैं और घोटाले में तब्दील कर दिया है। उसका यह है कि पेशा को ऑडिटर पद के लिए लाखों आवेदन बुलाए गए, उस लाखों आवेदन में आठ सौ नब्बे लोगों साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, उसमें से 90 ब्लॉक में इन्होंने नियुक्ति की और वो इंटरव्यू साक्षात्कार को इन्होंने रद्द किया और 25,000 रुपये मासिक वेतन पर इन्होंने एक विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों की नियुक्ति की है जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी का काम करेंगे। जो कि पेशा एक्ट कानून कांग्रेस की सरकार ने विगत 25 वर्ष पूर्व ही लागू कर दिया था, इन्होंने तोड़ मोड़ के उस कानून को पेश किया और साथ ही आज किसान वर्ग, किसान इतने परेशान है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो कि वादा करा था कि हम मिट्टी आपकी खरीद लेंगे, आज मिट्टी से दूर उनकी जो गेहूं की फसल, जो गेहूं को आज 1700-1800 में खरीदने की बात कर रहे हैं, अब वो किसान की कैसे उसकी पूर्ति होगी। और साथ ही एक इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उद्योग नीति और शिक्षा नीति के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और साथ ही आज हम शिक्षा नीति की ओर देखें तो अध्यापक टीचरों को टेबलेट के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि हर अध्यापक टीचर के पास 20,000-25,000-30,000 तक मोबाइल है, उसके बावजूद उनको टेबलेट के लिए परेशान किया जा रहा है। साथ ही हमने देखा कि आज कर्मचारी वर्ग परेशान है, नित्य हड़तालें और अपनी मांगे लेकर प्रशासन के समक्ष उपस्थित हो रहा है और सरकार है कि उनकी कोई सुनवाई करनी नहीं है। और आज इसी उद्देश्य को लेकर हम जानते हैं कि देश के लोकतंत्र के अंदर सत्ता की जितनी अहम भूमिका होती है उससे अधिक भूमिका विपक्ष की होती है। जब सत्ता में बैठे जो मठाधीश, जो मंत्री, मुख्यमंत्री जब जनता के हित में कार्य नहीं करते हैं तो जनता जनार्दन और किसान, व्यापारी, कर्मचारी विपक्ष पर भरोसा जताते हैं। तो विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है कि उनकी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर संशोधित सरकार को जगाने का प्रयास करें। इसी परिप्रेक्ष्य में 13 मार्च को प्रदेश भर के कांग्रेस नेता हमारे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।